Yes, so we have a very special speaker. I met him, I think, over a year and a half ago in Wardha, in Nagpur. I had visited Nagpur for a very short time to understand what is happening in the organic space there. I got the opportunity to meet Gopal ji, and he is doing marvelous work almost now spanning 30 years in the whole area of traditional honey harvesting in the forest belts. So what used to happen is there was a certain way in which honey used to get harvested in earlier times, and later it became very commercialized. It used to hurt bees. There were practices which were not the correct practices being carried out. So Gopal ji has tried to change all of that, and he's really very, very systematically working on this in forest after forest, training people on the right way of bee conservation and honey harvesting. I sat with him for almost 1.5, 2 hours that time, and I remember he had these huge posters in which he had explained the entire process of how honey is harvested, about different types of bees, what they're all about. It was amazing. I was spellbound for those 1.5, 2 hours. So I can simply say that you're going to have an amazing session going forward, and I look forward to having Gopal ji over to you. हिंदी में बोलेगा बोले चलेगा बोलिएगा प्लीज हिंदी में, मेरा इंट्रोडक्शन इंग्लिश में रहेगा लेकिन आप सभी ठीक है को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने दो ऐसे बी वैरायटीज को पेश करूंगा जिसका व्यवस्थापन वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है। खेती बाड़ी में और जंगल में जो फूल आते हैं, फूलों का फलन करने की भूमिका में मधुमक्खियां होती है। हमको ये विचार करना चाहिए कि मधुमक्खियां निसर्ग में या इस नेचर में क्यों इवॉल्व हुई है। उसका मुख्य रीजन ऐसा है कि पॉलिनेशन की जो प्रोसीजर है वो पूरी करने के लिए मधुमक्खियों का निर्माण इस नेचर ने किया है। हम लोग खेती बाड़ी करते समय अच्छा खेत तैयार करते हैं, अच्छा बीज लेते हैं, अच्छा खाद उसमें डालते हैं, अच्छे कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं ताकि कीड़ों से अपने फसल को बचाया जा सके। उसके बाद में जब फूल पे वो फसल आती है, फूलों पे फसल जब आती है तब उसके परागण की क्रिया में मधुमक्खी की आवश्यकता होती है, लेकिन अपने खेती बाड़ी में और जंगल में मधुमक्खियों का जो पॉपुलेशन है वो कम होते जा रहा है। इसके लिए हमको मधुमक्खियों को बचाना चाहिए। कितने प्रकार की मधुमक्खियां हैं? 4 प्रकार की मधुमक्खियां हैं। दो देशी देशी यानी जो जंगली मधुमक्खियां जिसको हम लोग कहते हैं, और दो पालतू मधुमक्खियां हैं। दो प्रकार है मधुमक्खियों का जो पाल आप पाल सकते हैं। तो जो जंगली मधुमक्खियां है उसमें एपिस फ्लोरिया नाम की एक है, सबसे छोटी होती है ये, और दूसरी है सबसे बड़ी एपिस डोर्सेटा जो बड़े बड़े पेड़ों पे पहाड़ों पे लगी होती है। और दो प्रकार की मधुमक्खियां जिसको पालन आप कर सकते हो, पेटी का लकड़ी पेटी का इस्तेमाल करते हुए जिसका पालन कर सकते हैं, ऐसे एपिस सेराना इंडिका है और एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा को एक्सोटिक हनी भी कहते हैं। वो यूरोप से यहाँ आई है, लाई गई है, और उसका पालन पूरे उत्तरी भारत में अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो 4 प्रकार की मधुमक्खियां हुई। एपिस फ्लोरिया जो छोटे छोटे पेड़ों पे झाड़ी झुड़पी में अपना घर बनाती है। एपिस डॉर्सेटा बड़े बड़े पहाड़ों पे पेड़ों पे। एपिस सेराना इंडिका आप बक्से में उसको पाल सकते हो, एपिस मेलिफेरा उसको बक्से में पाल सकते हो। तो 4 प्रकार की मधुमक्खियां, और चारों प्रकार की मधुमक्खियां खेती बाड़ी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। खेती बाड़ी के जो फूल आएंगे, जंगल में जो फूल आएंगे उसके परागण की क्रिया के लिए बहुत अच्छी है। परागण की क्रिया होती क्या है? परागकण एक एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाना, एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाने के लिए परागण की क्रिया मधुमक्खी द्वारा होती है। उसके वजह से हमारे खेती बाड़ी में फसल ज्यादा अच्छे से आती है। उसमें सूरजमुखी आप ले लीजिए, पहला उदाहरण है। सूरजमुखी के फूलों पे जब मधुमक्खी काम करेगी तो सूरजमुखी की फसल आपको अच्छी मिलेगी। तिल है, तिल्ली, काला तिल हो या सफेद तिल हो, दोनों के लिए परागण के लिए आपको मधुमक्खियों की आवश्यकता होती है। आप नेक्स्ट करिए ना स्लाइड।
नेक्स्ट, हाँ ये है, हाँ ये काला तिल है सफेद तिल है, इसके परागण के लिए मधुमक्खी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट सरसों, सरसों के फूलों पे मधुमक्खी जब काम करेगी तो अच्छे सरसों के उत्पादन तुमको मिलेगा। नेक्स्ट धनिया, धनिया के फूलों पे मधुमक्खी है इसलिए धनिया का उत्पादन। नेक्स्ट प्याज, प्याज की फसल उगाने के लिए हमको मधुमक्खियों की आवश्यकता होती है, ये मधुमक्खियां लगी है फूलों पे और उसके वजह से ये प्याज के बीज और उसके वजह से निकलने वाला प्याज। नेक्स्ट तुवर, तुवर के फूलों पे मधुमक्खियां इसलिए तुवर का उत्पादन। नेक्स्ट स्पीड से लेना है हमको यहाँ पर, ये पोपट करके बीन्स होती है, बीन्स पे आपको मधुमक्खियां दिखेगी। नेक्स्ट ये मसूर दाल, जो मसूर दाल होती है मसूर दाल के फूलों पे मधुमक्खियां इसलिए मसूर दाल का उत्पादन। नेक्स्ट बैंगन के फूलों पे मधुमक्खियां इसलिए बैंगन का उत्पादन। नेक्स्ट कद्दू के फूलों पे मधुमक्खियां इसलिए कद्दू का उत्पादन। नेक्स्ट ये ड्रमस्टिक जिसको हम लोग मराठी में सेवगा कहते हैं या इसको क्या कहते हैं हिंदी में, या बेर, बेरों के फूलों पे मधुमक्खियां, सहजन जिसे आपने बोला, हाँ हाँ सहजन, सहजन और ये बेर के फूलों पे मधुमक्खी इससे बेर का उत्पादन। नेक्स्ट गुआवा, जाम, पेरू, क्या कहते हैं आप उसके उत्पादन में मधुमक्खियों का रोल। नेक्स्ट आम के बाहर पे मधुमक्खियां इसलिए आम का उत्पादन। नेक्स्ट अनुपम जस्ट वेट फॉर हिम टू से नेक्स्ट देन प्लीज चेंज द स्लाइड, उसमें समय लग रहा है इसलिए थोड़ा स्पीड से लेने में ज्यादा अच्छा आसानी होगा। प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, ये नींबू, नींबू संतरा और मौसम्बी तीनों प्रकार के फूलों पर मधुमक्खियां जब काम करती है तो हमको तीनों प्रकार के नींबू वर्गीय उत्पादन मिलेगा। ये बहुत शानदार फोटो है, ये फोटो है चीकू का, चीकू के फूलों पर ये मधुमक्खी खास करके अगस्त महीने में, जुलाई अगस्त महीने में जब काम करेगी तो ऐसा चीकू का उत्पादन। कपास, कपास के फूलों पर मधुमक्खी जब काम करेगी तब कपास का उत्पादन। नेक्स्ट ये मैंने आपको बताया अभी प्याज, ये धान है, धान के फूलों पर मधुमक्खी जब काम करेगी तो धान का उत्पादन। ये ज्वार है, ज्वार के फूलों पर मधुमक्खी जब काम करेगी तो ज्वार का उत्पादन। ये मकई, मक्का जो कहते हैं हम लोग, तो स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न के फूलों पर जब मधुमक्खी काम करेगी तो स्वीट कॉर्न का उत्पादन। नेक्स्ट जामुन, जामुन के फूलों पर मधुमक्खी इससे जामुन का उत्पादन। नेक्स्ट ये पलाश है, जंगल में पलाश पाया जाता है खास करके मार्च अप्रैल में। ये कंचन, ये बरसात में आने वाला फूल है, जंगली फूल है, इसके फूलों पर मधुमक्खी ताकि ये फलिया। ये काटेस और बॉम्बे मोरी कहते हैं हम लोग इसको, बॉम्बे मोरी के फूलों पर जब काम करेगी मधुमक्खी तो इसका उत्पादन, इसका ये बनता है तकिया। ये सिरिश, ये जंगली फूल है, ये जंगली फलिया बनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट खैर, खैर के फूलों पर मधुमक्खी जब काम करेगी तो खैर का उत्पादन। ये कदम करके एक पेड़ होता है, बहुत बड़ा जंगली पेड़ है, उसके फूलों पर जब काम करेगी तो कदम के फूल। नेक्स्ट करीब 27% से लेकर 227% तक खेती बाड़ी में या जंगल में उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। हाँ गौरी जी आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, नहीं आपने उंगली उठाई थी? नहीं हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो अब इसमें आप, मैंने अलग अलग उदाहरण दिए हैं, चाहे मिर्ची हो, चाहे टोमेटो हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे पिजन पी हो, चाहे फ्लैट बीन्स हो, चाहे चिक बीन्स हो, कस्टर्ड हो, मैंगो हो, मक्का हो, मकई मक्का हो, स्वीटकॉर्न, चना हो, ग्राम्स, या फ्रेश बीन्स हो, या ज्वार हो, या बाजरा हो, या ब्रिंजल हो, बैंगन,
चाहे दोड़का हो, चाहे कॉटन हो, चाहे राइस हो, चाहे तिल्ली हो, चाहे प्याज हो, चाहे बनाना हो, चाहे सनफ्लावर हो, कितना कितना उत्पादन बढ़ सकता है। मैंने बताया कि 27% से 227% तक यहाँ उत्पादन बढ़ोतरी हो सकती है खेतीबाड़ी में। हमको ये सब उपज जब हम उगाएंगे तो खेतीबाड़ी में मधुमक्खियां रहेगी तो आपके फसल उत्पादन ज्यादा आएगा। नेक्स्ट, तो ये जो आपने बोला इंटरवेंशन ऑफ बीज से इतनी खेतीबाड़ी बढ़ती है, तो क्या हम हाँ. कहते हैं कि आज के तारीख में कई जो फार्मर्स हैं ना इंटरवेंशन के कर रहे हैं फार्मिंग, क्या उनके कुछ हाँ उनका ऐसा है? मैं कह रहा हूँ कि एक मिर्ची का उदाहरण हम लोग ले ले, मिर्ची 200 रुपए पर क्विंटल मान लीजिए आप, यदि मधुमक्खियां नहीं है तो 200 रुपए मिलेंगे, यदि मधुमक्खियां है तो 227% ऐड होके 654 रुपए मिलेगा। अच्छा, अब मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ सोयाबीन का, सोयाबीन का मधुमक्खियां नहीं तो सोयाबीन तो पक्का होगी। उदाहरण ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि वो सोयाबीन आएगी नहीं, सोयाबीन तो आएगी लेकिन 3800 रुपए की आएगी, तो 10% राइस से 4180 रुपए का सोयाबीन बनेगा। अच्छा, अब मैं इसमें यदि मस्टर्ड का यूज करता हूँ, मस्टर्ड में 75% उत्पन्न बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि 3600 रुपए की मस्टर्ड यदि मधुमक्खियां नहीं है तो, और मधुमक्खियां है तो 6300 रुपए की मस्टर्ड। तो गोपाल जी मुझे एक बात बताइए कि ऐसा क्यों है कि कुछ खेत में मधुमक्खी होती है अपने आप नेचुरली और कुछ खेतों में नहीं होती है, इसका क्या राज है? हाँ, इसका ये राज है कि मधुमक्खियां उसी इलाके में जाएगी जहां उसको बेटर क्वांटिटी में फ्लावर्स अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, और उसके बाद में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का जो यूज हम लोग करते हैं उसके, यदि मान लो कोई कन्वेंशनल खेती बाड़ी करने वाला फार्मर है उसको वो रेगुलरली इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज कर रहा है तो उससे खेती बाड़ी में मधुमक्खियां कम रहेगी। अच्छा। और जो ऑर्गेनिक कर रहा है जहां इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इतना यूजेस नहीं है उस एरिया में मधुमक्खियां अच्छे से शान से रहेगी और उसके उत्पादन में बढ़ोतरी लाएगी। और क्या इसमें वैरायटी का बहुत बड़ा रोल है कि जैसे जहां पर जैसे मोनोकल्चर होती है जहां पर एक या दो टाइप के ही? एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल, मैं आगे मेरा आने वाला स्लाइड में आगे आने वाला है वो। हम लोग अभी ऐसा जब पॉलिनेशन हो मधुमक्खी के द्वारा तो बेटर क्वालिटी का प्रोड्यूस आप पा सकते हो, लेकिन मधुमक्खियां नहीं है तो ऐसा एकदम पुअर क्वालिटी का प्रोड्यूस आपको मिलेगा और उसकी मार्केट में दाम भी आपको कम मिलेंगे। अब एक सर्वे ऐसा हुआ है उसमें ऐसा बोला गया है कि पूरे दुनिया में 35% ग्लोबल एग्रीकल्चर लैंड पे उगाए जाने वाली जो फसल है उसके लिए मधुमक्खियों की आवश्यकता है। यानी दुनिया भर में 87 ऐसे लीडिंग क्रॉप्स है, फूड क्रॉप्स, जिसको पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों की आवश्यकता है। अच्छा। इसलिए हमको सेफ गार्डिंग बीज, सेफ गार्डिंग और फूड बायोडाइवर्सिटी यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनहांसमेंट के लिए हमको मधुमक्खियों की आवश्यकता है। मधुमक्खियां जब हम लोग अपने खेती बाड़ी में रखेंगे तो हमें करीब करीब 87 ऐसे लीडिंग फूड क्रॉप्स है जिसके लिए मधुमक्खियों की आवश्यकता है। नेक्स्ट, ये आया, ये आपका आपका जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, कपास है, धान है, तुअर है, ज्वारी है, ज्वार है, बाजरा है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, तिल है, सोयाबीन है, सूर्यफूल है, सनफ्लावर, सरसों है, मिर्ची है, धनिया है, प्याज है, टमाटर है, चना है, नींबू है, संतरा है, पोमेग्रेनेट है, गुआवा है, पम्पकिन है, ब्रिंजल है, काकड़ी है, दोड़के है, ढेमस है। ये ऐसे पूरे मिला के मिक्स क्रॉपिंग यदि आप करोगे तो आपको खेती बाड़ी में अच्छी क्वांटिटी में हनीबीज का पॉपुलेशन मिलेगा। अदरवाइज आप मोनोक्रॉपिंग करोगे, सोयाबीन तो सोयाबीन कर लिया, सूरजमुखी तो सूरजमुखी कर ली, यदि आपने कॉटन तो कॉटन कर लिया, अरहर तो अरहर कर लिया, बस सिंगल क्रॉपिंग में आप डिपेंड जब रहोगे तो मधुमक्खियां वहां पे कम मात्रा में आएगी, ये क्लियर रहे। नेक्स्ट, एफएओ क्या कहता है, बीज मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर फूड। एंड एफएओ भी ये कहने लगा है कि मधुमक्खियों को बचाओगे तो आपके थाली में भोजन आएगा, अदरवाइज हमको कई सारे ऐसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स है जो हमको नहीं मिलेंगे। अब बीज आर अंडर ग्रेट थ्रेट
फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. ये क्लाइमेट चेंज जो हो रही है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रही है, मोनोक्रॉपिंग, पेस्टिसाइड का हैवी यूजेस है, बायोडाइवर्सिटी खेती बाड़ी में नहीं है, और हैबिटेट लॉस है. हनीबी का हैबिटेट लॉस है, खेती बाड़ी में बड़े बड़े पेड़ों पे जो पहाड़ी मधुमक्खी अपना घर बना लेती है, या एपिस फ्लोरिया अपना घर बनाती है, एपिस सेराना इंडिका अपना घर बनाती है, तो ऐसे हैबिटेट लॉस हो रहा है, उनके रहने के लिए जगह नहीं मिल रही आपकी खेती बाड़ी में. ये भी एक कारण है कि उस खेत में मधुमक्खियों का पॉपुलेशन काफी कम है. अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन, अनसाइंटिफिक एक्सप्लॉयटेशन हनीबी के छत्तों का, इसके वजह से मधुमक्खियों का पॉपुलेशन कम हो रहा है दिनों दिन. एंड ऐसा ये माना जा रहा है कि अभी कम से कम पिछले 70 साल में 55% पॉपुलेशन हनीबी का खत्म हो चुका है, अभी सिर्फ 45% पॉपुलेशन बचा है. एंड 70 साल में सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ 1945-46 के से लेके, तो आज आप तुलना करोगे तो करीब करीब 50-55% मधुमक्खियों की पॉपुलेशन कम हो गई है, जो काफी थ्रेट है हमारे एग्रीकल्चर के लिए और फॉरेस्ट के लिए. नेक्स्ट. अब ये काम करने वाले लोग कौन है? कोरकू, निहाल, राठिया, कोलम, वजगोंड, गोंड, आदिवासी, ये लोग जो जंगल में रहते हैं, उनके पास में तकनीक नहीं है, उनके पास में औजार नहीं है नए, उनके पास में नो हाउ नहीं है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हमने करी है, इसलिए ट्रेडिशनल तरीके से हनी हंटिंग करके हनी लाना, यही उनका एक ऑब्जेक्टिव है, और उसी तरीके से उत्पादन करके शहद को लाना और लोकल मार्केट में बेचना, ये ट्रेडिशनली कितने सालों से चल रहा है, इसको हमको रोकने की जरूरत है. नेक्स्ट. ये पहाड़ी मधुमक्खी, पहला उदाहरण, बड़े बड़े पेड़ों पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 800, 900 छत्ते एक जगह पे आपको मिल जाएंगे. बेंगलोर में एक जीकेवी के कैंपस है, जीकेवी के कैंपस में एक बनियन पेड़ है जिसके ऊपर में कम से कम 900 छत्ते जंगली मधुमक्खियों के लगे है. इसको हम लोग भौर मधुमक्खी कहते हैं. ये भौर मधुमक्खी बड़े बड़े पेड़ों पे, बड़े बड़े पहाड़ों पे, बड़े वाटर टैंक्स में, बड़े पुलिया पे, पुलिया के नीचे में अपना छत्ता लगाती है. ये इसको पानी की व्यवस्था आसपास में होनी होती है, इसलिए आपको आपको आमतौर पे जो पेड़ नदी के किनारे पे है, जो बड़े बड़े झरनों के किनारे पे पहाड़ है, जो पानी के टंकिया है, उसके नीचे में बड़े बड़े छत्ते लगे दिखेंगे आपको. नेक्स्ट. इसको अपन एपिस डॉर्सेटा भौर मधुमक्खी, पहाड़ी मधुमक्खी इसको कहते हैं हम लोग. ये एक पेड़ देख लीजिए, ये पेड़ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25 छत्ते एक जगह लगे हैं. तो ये इस मधुमक्खियों का गांव है, मान लीजिए ये बड़ा पेड़. नेक्स्ट. नेक्स्ट. अनुपम जी, नेक्स्ट. अच्छा, तो ये जो पहले ये ट्रेडिशनल तरीके से जो ये ट्रेडिशनल हनी हंटर्स हैं, किस तरह से ये आ गया. ये एक बड़ा नहीं, पीछे में जी, बैक. ये आदिवासी लोग हैं हमारे जो यहाँ बैठे हैं. ये लोग क्या करते हैं कि बड़े छत्ते के नीचे आग लगा दी मक्खियों, क्योंकि दुनिया के सबसे खूंखार मधुमक्खी मानी जाती है इसको, दुनिया के सबसे खूंखार मधुमक्खी है और सबसे गुस्से वाली है, और एक बार आपका पीछा शुरू कर दिया तो आपको स्टिंग किए सिवा आपको छोड़ेगी नहीं. इसलिए ये प्रकार की मधुमक्खी पे काम करने के लिए रात के समय में ये जंगल में जाएंगे और उसके छत्ते के नीचे आग लगाएंगे. ये आग लगाई जा रही है यहाँ पर. उसके बाद में बड़े बड़े टहनिये जहां उनके छत्ते लगे हैं, ये टहनिये को तोड़ा जा रहा है, और टहनी को तोड़ने के बाद में ऊपर में उसका हनी का कोम होता है, शहद का इलाका ऊपर के जगह में होता है, उसको आपके इन बर्तन में निकालेगा, रखेगा और अपने घर ले आएगा. नेक्स्ट. यह मक्खी को जला दिया. ये है आदिवासी लोग जिनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट. ऐसा नहीं कि वो मधुमक्खी को बचाना नहीं चाहते, वो मधुमक्खी को बचाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में आदर्श संग्रहण शहद संग्रहण प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है. जब आदर्श शहद संग्रहण प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके तक पहुंचेगा
तो वो नए तकनीक से शहद का उत्पादन करेंगे, मक्खी को बचाएंगे और अपना रोजी रोटी भी कमाएंगे। नेक्स्ट, ये प्रशिक्षण के बाद में इन सबके लिए ड्रेस, कुछ के बर्तन शहद रखने के लिए, हाथ मोजे, दस्ताने, ये सब मिला के पूरा किट हम लोग इनके हाथ में देते हैं। नेक्स्ट, अरे वाह, ये जंगल में जा रहे हैं, अब बकेट है, चाकू है, टब है, टॉर्च है, बड़ा रस्सा है, और सभी ने अपना एक ड्रेस पहन रखा है। ये वर्दी पहनने का फायदा ऐसा है कि उसको मधुमक्खियों का अटैक भी हो जाए तो भी उसके बॉडी तक एक भी स्टिंग पहुंचेगा नहीं, एक भी डांका, एक भी कांटा पहुंचेगा नहीं, तो इस तरीके से उसको पूरा सुरक्षित हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट, बड़े पेड़ पे जाके चढ़ गया और जहां मधुमक्खी का छत्ता है वहीं जाके बैठ गया। अब पूरे इस मधुमक्खी के छत्ते में शहद सिर्फ ऊपर के भाग में होता है, यहाँ इतने जगह में ऊपर के जगह में शहद होता है, वहीं की मक्खियों को धीरे धीरे खिसकाना। नेक्स्ट, बस ये ओपन हो गया पोर्शन जहां पे उसका 70-80% शहद है, इतने ही इलाके में वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उतने ही भाग को वो चाकू से काटेगा। नेक्स्ट, ये पूरा पोर्शन उसने काट लिया। इसका मान लीजिए कि मक्खियों के छत्तों के नीचे ना आग लगाई, ना धुआं किया, कुछ नहीं किया, उसने एक ड्रेस पहना था, ड्रेस पहन के पेड़ पे चढ़ लिया, चढ़ने के बाद में जहां छत्ता है वहां जाके बैठ गया, ऊपर के कोने में मधुमक्खियां है उसको हटाया और चाकू से इतने पोर्शन को काट लिया, उसने कटा हुआ पोर्शन हाथ में आ गया और ऊपर में बकेट है, बकेट में छोड़ दिया। ये बकेट आप देखोगे, बकेट में उसका 3/4 हिस्सा काट के, छत्ते का 3/4 हिस्सा जो होता है शहद का, उसको काट के निकाल लिया। अब ये कटे हुए पोर्शन को मधुमक्खियां 25-30 दिन में दोबारा बांध देती है और 25-30 दिन के बाद में दोबारा आप शहद लेने के लिए इसी छत्ते से आप दोबारा शहद ले सकते हो 25-30 दिन के बाद में। नेक्स्ट, माय गॉड, ये तो काफी डेंजरस काम लग रहा है। हाँ, ये पूरे सर्कस है, पूरे यानी आपको पेड़ पे चढ़ना भी है रस्से से और रस्से से उतरना है। एक यहाँ आदमी है, यहाँ दो आदमी एक रस्से में लटक रहे हैं, यहाँ दो आदमी लटक रहे हैं और काफी 40-50-60-70 फीट पे इनके छत्ते होते हैं। तो, लेकिन ये जो पुश्तैनी ढंग से जो काम करने वाले आदिवासी लोग है उनके ये आदत में होता है, उन्हें हाइट का डर नहीं होता है, उन्हें काफी डेयर डेविल होते हैं ये लोग, और उन्हीं के पास में टेक्नोलॉजी पहुंचाना है और उसी का टेक्नोलॉजी पहुंचाने के बाद में जो आवश्यक साधन सामग्री लगती है शहद उत्पादन करने के लिए वो उन तक पहुंचानी है, उसका फायदा करते हुए वो लोग शहद निकाल सकते हैं। करीब करीब 4,000 आदिवासी लोग आज अभी देश में अपने इस तरीके से शहद का उत्पादन ले रहे हैं। नेक्स्ट, तो इसमें ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि क्रूअल्टी बहुत होती है बीज की तरफ, तो क्या इससे क्रूअल्टी कम हो गई है? आपको क्रुएल्टी कम होगी, आग हमने आग नहीं लगा रहे, हम लोग उनके छत्ते को तोड़ नहीं रहे, उनके टहने को नहीं तोड़ रहे, उनका हैबिटेट लॉस नहीं कर रहे, हम लोग मक्खियों को बचा रहे, तो उसके वजह से फायदा ऐसा हो रहा है कि दिनों दिन जिन जिन इलाकों में हमने ये काम शुरू किया है उस उन सभी इलाकों में मधुमक्खियों का पॉपुलेशन काफी गुना बढ़ गया है। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। और एक ये जो कई हैं जो अगेंस्ट हैं हनी हार्वेस्टिंग के, वो ये भी कहते हैं कि जो हनी है ये बीज के लिए है, तो हम ह्यूमन बीइंग्स क्यों लेते हैं इस हनी को, इसके बारे में थोड़ा? नहीं, ऐसा नहीं, इसमें इसका एक्सपेरिमेंट हमने मेंढा लेखा करके गांव, आपने नाम सुना है लेखा मेंढा करके, तो उस गांव में हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें ऐसा देखा कि बी कीपिंग में क्या करते हैं हम लोग, बी कीपिंग में हम लोग बिल्कुल 10-10 दिन के 15-15 दिन के बाद हनी निकालते रहते हैं, फिर उसका वो भोजन नहीं हुआ क्या? तो यहाँ पर भी वही प्रोसीजर है, ऐसा है कि हनीबीज नेक्टर पोलन कलेक्शन करते हुए हनी का निर्माण करती है। अब हनी डिपॉजिट करेगी अपने कॉम में, उसमें से जो उसके रेगुलर यूजेस के लिए है वो उसको सील नहीं करती। एक शब्द है, सीलिंग शब्द है बी कीपिंग में, सील्ड हनी हमारा है और ओपन सेल्स में रहने वाला हनी उनका है। जैसे गाय का दूध भी हम लोग आज निकाला दूध, कल सवेरे निकाला, कल शाम को निकाला, फिर परसों सवेरे निकाला, फिर शाम को निकाला,
तो गाय का बछड़े का वो भोजन हो सकता है, लेकिन चार स्तनों में से एक स्तन का भोजन बछड़े के लिए और तीन स्तनों का दूध हमारे लिए। जिस तरीके से दूध का निर्माण होता है आंचल में, उसी तरीके से यहाँ मधुमक्खियां जितना आप निकालोगे उतना ज्यादा प्रोड्यूस करेगी हनी। अच्छा, उसका भोजन तो है एक वन, इसलिए मैंने कहा कि तीन चौथाई मधु का डल्ला, शहद का डल्ला हम लोग काट के निकालते हैं और एक चौथाई उसके लिए कायम रखते हैं। अच्छा, एक चौथाई कायम रहेगा और तीन चौथाई हम लोग निकालेंगे। इसका मतलब हमने हनी भी निकाल लिया और हनी बीज को या उनके बच्चों को स्टार्वेशन से भी रोक दिया। और यही कारण है कि जिन जिन इलाकों में हमने इस काम को फैलाया है, इस काम को चलाया है, वहाँ बीज पॉपुलेशन काफी गुना बढ़ गई है और हमारा हनी प्रोडक्शन हर साल में बढ़ते मुझे नजर आ रहा है। हर साल बढ़ रहा है हनी प्रोडक्शन। ये यहाँ कुछ हनी कलेक्टर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉम्ब उन्होंने काटे, 10 छत्तों से घर में आए। एक भगोना है यहाँ पर, भगोने में काट काट के उसको कॉम्ब को रखा है, नीचे वाले भगोने में हनी आ जाएगा। और ये प्योर हनी इन्होंने जंगली मधुमक्खी के छत्तों से निकाला। नेक्स्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कितने कॉम्स है, एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांच, इस तरीके से हमने हम इस एक्टिविटी को या इस टेक्नोलॉजी को सस्टेनेबल हनी हार्वेस्टिंग कहते हैं। सस्टेनेबल हनी हार्वेस्टिंग का मतलब है कि विंटर सीजन में अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तीन महीनों में हमको हार्वेस्ट हम लोग सोच सकते हैं। तीन महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अलग अलग फ्लावर्स मिलेंगे। अक्टूबर में सेवंती, झेंडू, भिंडी, क्या गावा, अनार, लेकिन हार्वेस्ट नहीं करेंगे। नवंबर में कॉटन को फ्लावर्स आएंगे, तुअर को फ्लावर्स आएंगे, लखोटी दाल को फ्लावर्स आएंगे, मिर्ची को फ्लावर्स आएंगे, भराटी को आएंगे, चिलाटी को आएंगे, काकड़ी को आएंगे, उस समय पहला हार्वेस्ट करेंगे। फिर दिसंबर महीने में फिर चने को फ्लावर्स आएंगे, अलसी को फ्लावर्स आएंगे, बैंगन को फ्लावर्स आएंगे, सरसों को आएंगे, धनिया को आएंगे, यूकेलिप्टस को आएंगे, तब सेकंड हार्वेस्ट करेंगे। तो विंटर सीजन में दो हार्वेस्ट करेंगे हम लोग, नवंबर और दिसंबर में। बाद में समर सीजन में मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये चार महीने हैं। चार महीने में कोई फसल आपको मिलेगी नहीं, आपको जो फ्लावर्स मिलेंगे सब जंगली फूलों से मिलेंगे, जंगली पेड़ पौधों से मिलेंगे। और जंगली पेड़ पौधे कौन से है, नीम है, पलाश है, मैंगो है, आम, प्योरवेल करके होता है, भेरिया होता है, ग्लिरसिडिया होता है, पांजरा करके होता है जंगली प्लांट, लीची आपको बिहार में मिल जाएगी। तो ये मार्च महीने में हमको कोई हार्वेस्ट मिलेगा नहीं, भले फ्लावर्स है। इस समय वो अपना ब्रूड डेवलपमेंट करती है मधुमक्खियाँ, और जब जब उसका ब्रूड डेवलपमेंट अच्छे से होते रहता है उस समय हमको हार्वेस्टिंग करनी है। हमको समर में पहला हार्वेस्ट होगा हमारा अप्रैल में, उसमें कुकुरांजी करके वाइल्ड प्लांट है, महुआ करके वाइल्ड प्लांट है, काटेसावर करके वाइल्ड प्लांट है, करंज करके वाइल्ड प्लांट है, इससे हमको हार्वेस्ट मिलेगा। ये मैं इसको थर्ड हार्वेस्ट मानता हूँ, क्योंकि आपने दो हार्वेस्ट विंटर में ले लिए, इतने नवंबर में पहला हार्वेस्ट लिया, दिसंबर में पहला हार्वेस्ट ले लिया, सेकंड हार्वेस्ट ले लिया, और समर में हमने अप्रैल में पहला हार्वेस्ट लिया। यदि सिक्वेंस से गिनेंगे तो थर्ड हार्वेस्ट हो जाएगा वो। फिर मई में आंजन करके होता है जंगली प्लांट है, येन करके जंगली प्लांट है, जामुन करके जंगली प्लांट है, बेहड़ा करके, हिरडा करके जंगली प्लांट है, इससे हार्वेस्ट निकलेगा। और फिर जून में दूधपुड़ा और चिंच करके, चिंच यानी इमली, दूधपुड़ा एक जंगली प्लांट है, इमली एक बहुत बड़ा प्लांट है, इससे निकलेगा हार्वेस्ट। तो पूरे मिला के पूरे 12 महीने में 5 हार्वेस्ट आप जंगली मधुमक्खियों के छत्तों से कर सकते हैं। इसलिए इसको हमने कहा है कि सस्टेनेबल बी मैनेजमेंट। मधुमक्खियां भी बचेगी और पॉलिनेशन भी होगा, हनी भी निकलेगा, आदिवासियों के लिए रोजी रोटी भी बनेगी और खाने वाले को बेटर क्वालिटी का हनी भी खाने को मिलेगा। खास करके समर सीजन में निकला हुआ शहद बाय डिफॉल्ट इट इज ऑर्गेनिक हनी, क्योंकि ये नीम है, पलाश है, मैंगो है, इधर में कुकुरांजी, महुआ है, काटेसावर है, आंजन है, एन है, जामुन है, बेहड़ा है, हिरडा है,
दूधपुड़ा है, चिंच है, ये सब जंगली फूल है। इन पे, इन पूरे जंगली फूलों पे, जंगली पौधों के फूलों पर या जंगली पौधों पर कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता है, कोई उसमें खाद डाला नहीं जाता है, इसलिए जो नेक्टर पोलन बन रहा है वो पूरा ऑर्गेनिक है। और नेक्टर पोलन, ये ऑर्गेनिक नेक्टर पोलन जब मधुमक्खी लेके उससे शहद बनाती है तो आपको बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक हनी का प्रोडक्शन मिलता है। तो एपी डॉर्सेटा नाम की जो प्रजाति है जिसको हम लोग भौर मधुमक्खी हिंदी में कहते हैं या मराठी में आगे मोर कहते हैं, इससे जो शहद निकलेगा वो बाय डिफॉल्ट इट इज ऑर्गेनिक हनी। रेनी सीजन में जरूर बेर, आरोनी, ऑरेंज, लेमन, क्या क्या मौसमी क्या क्या होता है, लेकिन उससे हार्वेस्ट मिलता नहीं है क्योंकि हनी पतला होता है। हनी पतला हनी हम लोग हार्वेस्ट नहीं करते। और ये भी मैंने समझा है कि जो भी हनी होता है वो बाय 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 नेचर वो ऑर्गेनिक ही होता है, देयर इज नथिंग लाइक नॉन ऑर्गेनिक हनी। नहीं, ऐसा है कि खास करके जब खेती बाड़ी के मौसम में जब आप शहद का उत्पादन लेते हो, जब खेती बाड़ी होती है आपके अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में, चना ऐसा है कि आखिरी क्रॉप है जो चना जिसको फ्लावरिंग आती है, उसके बाद में बरसीम है पंजाब में, तो इनके खेती बाड़ी करते समय जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज आप कर रहे हो उसका उस पूरे एनवायरनमेंट में उसका स्मेल चलता है, और उसी इलाके में आपकी पीटिया रखी हो तो कुछ ना बाय मतलब बाय 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 फॉल्ट समझिए कि उसमें कुछ ना कुछ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इंट्रोडक्शन हो जाती है। एक सवाल आया था कि खेती बाड़ी में अगर पॉली हाउस में हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, बहुत पॉली हाउसेस यूज होते हैं, उसमें हनी बीज कैसे आएंगी? उसमें हनी बीज आएगी नहीं, लेकिन पॉली हाउस के एंट्रेंस पे आप मधुमक्खी के बक्से को रख दो, उसके पॉली हाउस के एंट्रेंस में रख दीजिए, खास करके ककड़ी वकड़ी या ढेमस वेमस इसका हम लोग या चिली का हम लोग पॉली हाउस में जब उत्पादन लेते हैं तो उसके एंट्रेंस पे आप मधुमक्खी का बक्सा रख दो और उसका मुंह बक्से का पॉली हाउस के अंदर में रख दीजिए। अच्छा। जब आप ऐसा बक्सा रखोगे तो मधुमक्खियां, खास करके हमने ककड़ी के खेती बाड़ी में, ककड़ी के पॉली हाउस में ये एक्सपेरिमेंट किया है और ककड़ी का पॉलिनेशन शानदार हुआ था। अच्छा। हाँ, पॉली हाउस में आप मधुमक्खी को इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब ऐसा है कि आपको पॉली हाउस के अंदर में मधुमक्खी के बक्से को रखना पड़ेगा, बाहर से मधुमक्खी अंदर नहीं घुसेगी, उसको पॉली हाउस में अंदर रखना पड़ेगा। एंट्रेंस में इसलिए कह रहा हूँ कि एंट्रेंस में ज्यादा गर्मी नहीं होती है। अच्छा। तो फूलों पे फूलों को आइडेंटिफाई कर लेगी मधुमक्खियां और फूलों पे जाके परागण की क्रिया करेगी। परागण की क्रिया होगी तो आपको अच्छी फसल मिलेगी। पॉली हाउस में मधुमक्खियां काफी उपयुक्त है। नेक्स्ट, यह है हमारे हनी कलेक्टर्स, उसका पूरा फैमिली इस काम में लगा है। भाई है, बड़ा भाई है, बेटा है, बीबी है, ये एक ड्रम है, सेकंड ड्रम है, थर्ड ड्रम है, फोर्थ ड्रम है, ये चार पांच ड्रमों में शहद है और बाद में उसमें मोम है। मोम का इस्तेमाल हम लोग, मोम भी हम परचेस कर लेते हैं और हनी भी परचेस करते हैं। नेक्स्ट, हनी लेके आने वाले ये आदिवासी जिनको प्रशिक्षण किया था, हम लोग बायबैक अरेंजमेंट यहाँ करी है। हमारे संस्था ने ऐसा सोचा कि जो उत्पादन करने वाला जो आदिवासी है उसको एक अच्छा बाजार मिले, अच्छे दाम से बाजार मिले, इसलिए हमने संस्था ने अच्छे दाम से खरीदी करने का कार्यक्रम शुरू किया। इसमें जितना भी उत्पादन हो जाता है हमारी संस्था उसको बायबैक करती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये उत्पादन किया हुआ शहद। नेक्स्ट, ये छोटा एक हमने हनी हाउस खड़ा किया है और ये हनी हाउस में हनी प्रोसेसर है और कुछ ड्रम्स रखे हुए जहां पे हनी को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट, तो एक सवाल जो आएगा कि फॉरेस्ट हनी सबसे बढ़िया हनी माना जाता है, इसको क्या रॉ फॉर्म में ही लेना होता है, और अगर आप प्रोसेसिंग करते हैं तो क्या प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें कितना लॉस होता है न्यूट्रिएंट्स का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो रॉ हनी जंगल से आएगी आदिवासी लोग निकाल के लाएंगे और उसको बायबैक करेंगे हम लोग, तो वैसे कोई भी रॉ हनी में, चाहे मधुमक्खियों के पेटियों से बना हुआ रॉ हनी हो या चाहे जंगल के फूलों से बना हुआ रॉ हनी हो, उसमें बाय डिफॉल्ट ऑस्मोफिलिक ईस्ट होती है। ऑस्मोफिलिक ईस्ट
ये शहद में जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज है उसका कन्वर्शन अल्कोहल में कर देती है, जिसके वजह से आपको कुछ दिन के बाद में उस कंटेनर में ऐसा दिखेगा कि ऊपर में फोम आ गया है, काफी सारा फोम जमा हो गया है। तो ये फोम का मतलब है कि आइसोफिलिक ईस्ट ने ग्लूकोज फ्रुक्टोज को कन्वर्शन अल्कोहल में कर दिया और आपकी धीरे धीरे हनी वाइन बनते जा रही है। अच्छा। इसलिए इसको रोकने के लिए चाहे 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 खेतीबाड़ी से निकला हुआ शहद हो, चाहे जंगल के फूलों से निकला हुआ शहद हो, उसको आपको प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता होती है। अब ये वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं कि मैडम कुछ हनी सैंपल निकाल रही है, ये हनी सैंपल निकाल रही है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के लिए। नेक्स्ट, एनिलिन क्लोराइड नाम का टेस्ट हम लोग करते हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि हनी में मिलावट है या नहीं है। एनिलिन क्लोराइड टेस्ट करते समय यदि हनी का कलर यदि लाल हो गया, इसका मतलब है कि हनी में मिलावट किया गया है। यदि उसका कलर सफेद या पीला है, इसका मतलब है कि हनी में मिलावट नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो जो हनी प्रोक्योर करेंगे हम लोग एनिलिन क्लोराइड टेस्ट कर लेंगे। एनिलिन क्लोराइड टेस्ट करने का फायदा ऐसा है कि आपको हनी जेन्युइन है कि नहीं है इसका पता लग जाता है। एक बार आपको पता लग गया कि आपका हनी जेन्युइन है, उसके बाद में उसको नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, इसमें इसको एक हनी प्रोसेसर से प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस का मतलब है कि उसको 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कम से कम 6 घंटा रखते हैं। यह है प्रोसेसिंग टाइम। उसके लिए सिंपल प्रोसेसर हमने बनाया है। प्रोसेसर एक वाटर बाथ जैसा सिस्टम है। वाटर बाथ जैसा सिस्टम में हम लोग हनी को 6 घंटे के लिए 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म होने के बाद में कुछ हनी से हनी में जो मॉइस्चर लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगी, भाप बन जाएगी, तो भाप बाहर निकल जाएगी, तो उसके वजह से हनी थोड़ा डेंस हो जाएगा और मॉइस्चर लेवल उसकी कम हो जाएगी। जितना मॉइस्चर लेवल कम रहेगा हनी में, इसका मतलब है कि हनी की ड्यूरेबिलिटी या हनी का सेल्फ लाइफ बढ़ते जाएगा। इसलिए प्रोसेसिंग का मतलब है कि 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपको 6 घंटा हनी को गर्म करना है। हनी 6 घंटा गर्म होने के बाद में आउटलेट रहेगा उस हनी प्रोसेसर को, वहां पे एक स्ट्रेनर लगा दी है, जाली लगा दी है, और जाली से छन के मधु नीचे वाले ड्रम में आ जाएगा। ये हो गया आपका प्रोसेस्ड एंड फिल्टर्ड हनी। इस हनी को आप कितना भी साल रखेंगे तो उसमें फर्मेंटेशन नाम का प्रोसीजर नहीं होगा, फर्मेंटेशन उसमें नहीं होगा। जो फर्मेंटेशन अदरवाइज मैंने कहा जब कि आइसोफिलिक ईस्ट को किल करने का काम करता है ये 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 6 घंटे के लिए। जब 6 घंटे के लिए आप गर्म करते हो हनी को, तब आइसोफिलिक ईस्ट नाम का जीवाणु किल हो जाता है और फिल्टर किए हुए हनी में आइसोफिलिक ईस्ट नहीं होने की वजह से फिर उसका शेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाता है। मॉइस्चर रिडक्शन 2-3% होता है, जिसकी वजह से हनी काफी दिन तक टिकाऊ रहता है। तो फिर उसको कमर्शियल हनी है उसको बोला जाता है कि वो प्रोसेसिंग करते हैं और इसके लिए इतना अच्छा नहीं होता है, तो इसमें और कमर्शियल हनी में क्या फर्क है? नहीं, कमर्शियल हनी या और दूसरा हनी जो 52 डिग्री सेंटीग्रेड के ज्यादा गर्म किया जाता है, ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, उसमें हनी में जो नेचुरली अवेलेबल एंजाइम्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड, ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ ट्रिगर्स, जो कुछ माइक्रो एलिमेंट्स मधुमक्खियों ने हनी में छोड़े हैं, उसका डीनेचुरेशन होना। डीनेचुरेशन का मतलब है कि उसका जो नेचुरल फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाना। इसलिए हनी जिस कारण से हमको खाया जाता है, जिस कारण से हम लोग खाते हैं, 300-350 रुपये 400 रुपये पर केजी से हनी खरीदी करते हैं हम लोग, जिस कारण से हनी आप खाते हो वो मेडिसिनल थेरापेटिक एप्लीकेशंस आपके बॉडी को नहीं मिलते। थेरापेटिक एप्लीकेशंस कायम रहेंगे कायम 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म किए हुए हनी में ऑल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आर रिटेन्ड, दे आर मेंटेन्ड एज इट इज एज दे वर अर्लियर इन द नेचुरल हनी। वंडरफुल। तो गोपाल जी, एक और सवाल है इसको लेके कि फॉरेस्ट हनी है और एक बी बॉक्स से बनाया गया हनी है, इन दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में बिल्कुल फर्क है, क्योंकि पोलन आखिर में हनी की क्वालिटी जो डिटरमाइन होती है किस पौधे से, किस पेड़ से हनी आया है, यानी किस फसल से हनी आया है, इससे डिफाइन होती है। जैसे आप मान लो कि कड़वे नीम का हनी यदि आएगा तो कड़वे नीम के पोलन और कड़वे नीम का नेक्टर मिला के वो हनी बना है,
यदि आप जामुन हनी बोलोगे तो जामुन के पेड़ के जो फूल है उसमें निकला हुआ नेक्टर, उसमें निकला हुआ पोलन, इसको जमा करके जब शहद बनती है तो उस हनी में जामुन का मेडिसिनल या थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन आता है। कड़ू नीम के शहद को कड़ू नीम कहेगा। यदि आपने लीची का हनी है तो लीची के फ्लावर से जो नेक्टर पोलन बनता है उससे बना हुआ हनी है तो लीची के प्रॉपर्टीज उस हनी में आएगी। यदि आपने बरसिम के फ्लावर्स है और बरसिम के फ्लावर से बना हुआ वो हनी है, हम लोग क्या करते हैं जब हनी प्रोडक्शन आती है तब हमारे हनी कलेक्टर्स को पूछते हैं कि एक महीने में या पिछले महीने में कौन से पौधों को फूल थे। वो बताता है कि सरसों को फूल थे, सनफ्लावर को फूल थे, लीची को फूल थे, या बैंगन को फूल थे, या पलाश को फूल थे, या नीम को फूल थे, या आपके जामुन को फ्लावर्स थे, या येन को थे, या कुकुरानी को थे, या महुआ को थे। तो उसने जो फ्लावर का नाम लिखा इसका मतलब है कि वो फ्लावर से जनरेट हुआ वो हनी है, इसलिए उस पर्टिकुलर प्लांट का जो थेरापेटिक एप्लीकेशन है वो हनी में ट्रांसमिट होता है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि अस्थमा बीपी के लिए कड़वे नीम का मधु खाना चाहिए, यदि आपको डायबिटीज या बीपी का इश्यू है तो आपने जामुन का हनी खाना चाहिए, यदि आपको बुखार ज्यादा रहता है तो आपने कुकुरांजी का हनी खाना चाहिए, यदि आपको जनरल एक टॉनिक करके है तो कड़वे नीम का मधु खाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग हनी की वेराइटीज, या अजवाइन का मधु निकलती है आजकल, सौंफ का मधु निकलता है, गुलाब के रोज का मधु निकलता है, इस तरीके से अलग अलग वेराइटीज के हनी भी हनी निकलते हैं। लेकिन मैंने जब भी कहा कि आपको 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर में यदि हनी प्रोसेसिंग करोगे तो उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी खत्म होते जाएगा और वो फिर सुपर सैचुरेटेड ग्लूकोज फ्रुक्टोज सॉल्यूशन रहेगा, हनी नहीं बचेगा। इसलिए हनी को 52 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर में गर्म करना ही नहीं चाहिए और उसका नेचुरल प्रॉपर्टी रिटेन करने या रिटेंशन करने के लिए हमको कंट्रोल टेम्परेचर पे उसको वार्मिंग करनी चाहिए। हीटिंग और वार्मिंग में फर्क है। कमर्शियल हनीज 92 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होते हैं। अब 92 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कहाँ और 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कहाँ, इसलिए टेम्परेचर आपको कंट्रोल करना चाहिए प्रोसेसिंग के समय। प्रोसेसिंग के समय यदि 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो आपका हनी अच्छा रहेगा। यदि 52 के ऊपर में चले गया टेम्परेचर, इसका मतलब है कि आप हनी की क्वालिटी के साथ में खेल रहे हो। नेक्स्ट, बॉटलिंग हो रही है, लेबलिंग लग रही है। नेक्स्ट, ये पूरा बॉटल होके रेडी है मार्केट के लिए हनी। नेक्स्ट, ये हनी हमने ऑर्गेनिक हनी के लेवल पे अमेरिका में एक्सपोर्ट किया था, ऑर्गेनिक वैदिक हनी, इसको वैदिक हनी हमने बोला था। और खास करके ये जंगली मधुमक्खियों के छत्ते से बना हुआ हनी था, अमेरिका में हमने करीब 7 साल तक एक्सपोर्ट किया। नेक्स्ट, हमने पूरे काम को चलाने के लिए क्या क्या किया। साइंटिफिक हार्वेस्टिंग करवाई, हनीबीज का फ्लोरा और फौना जो है दोनों का कंजर्वेशन करवाया, मल्टीपल हनी प्रोडक्शन करवाई, हर सीजन में मधुमक्खी का पॉपुलेशन बढ़ा, प्रोडक्शन हनी का प्रोडक्शन बढ़ा, बाय बाय गारंटी करी और क्वालिटी चेक किया। ये पूरे पैरामीटर्स पे हमने काम किया तब जाके हमारा ये काम एस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और मैं तो ये कहूंगी कि आपके काम से बहुत ज्यादा ट्रस्ट पैदा हुआ है हनी पे, क्योंकि पहले ट्रस्ट ही नहीं था कि जो हम ले रहे हैं वो सच में मिलावटी है या सच में हनी है। एंड हमने क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए जब हनी हमारे ऑफिस में आ रही है तभी क्वालिटी कंट्रोल कर लिए एनिलीन क्लोराइड से। एनिलीन क्लोराइड से ट्रीट करने के बाद में मधु का कलर यदि हनी का कलर यदि रेड आता है इसका मतलब मिलावट करी है। यदि हमने पीला कलर आता है का मतलब है कि प्योर है। उसके बाद में 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म किया मधु को और छान लिया, और छानने के बाद में जो फिल्टर हनी है हमारे पास में उसमें एक आप देखोगे 15-20 दिन के बाद में एक पोलन का एक ऊपर में एक लेयर आ जाता है। जैसे दूध को गर्म करोगे और ठंडा हो जाएगा तो ऊपर में मलाई
आ जाएगी, वैसे हनी में भी परागकण की, परागकण यानी पोलन की मलाई आ जाती है। ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका हनी प्योर है। अच्छा। यदि मलाई नहीं आती, इसका मतलब है कि आपका हनी अल्ट्रा फिल्टर्ड है, या उसमें आज के समय में ऐसा भी है कि हनी में कॉर्न सिरप ऐड किया जाता है। कॉर्न सिरप ऐड करके हनी का वॉल्यूम मेंटेन किया जाता है, तो ये भी एक रॉन्ग प्रैक्टिस अपने देश में काफी चल पड़ी है। तो हमारे ऑर्गेनिक हनी में, या हमारा जो जंगली मधुमक्खी के छत्तों से निकला हुआ शहद, एपिडोर्सेटा से निकला हुआ शहद, भौर मधुमक्खी से निकला हुआ शहद, या एपिस थोरिया जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, एपिस थोरिया, ये दूसरी वैरायटी है वाइल्ड बीज की। ये बहुत सिंपल मधुमक्खी है, ये बहुत गुस्सा नहीं करती, ये कम गुस्से वाली मधुमक्खी है। इसके छत्तों पे कोई भी बच्चे से लेकर तो बड़े तक कोई भी इस पे छत्तों पे काम कर सकता है। इसके दो छत्ते आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप देख पा रहे हो उसमें। नेक्स्ट, ये प्रकार की मधुमक्खी खेतीबाड़ी में ज्यादा मिलेगी, और खेतीबाड़ी में तो कहता हूँ इसको कि ये काश्तकारों का फ्रेंड है, या खेतीबाड़ी करने वाले बागवानों का ये फ्रेंड है या दोस्त है। ये है आदिवासी लोग जिन्होंने मक्खियों के छत्तों को तोड़कर शहद, लकड़ी के बीच में शहद बना होता है, तो आप उनके हाथ में देखोगे कि शहद लकड़ी के बीच में बना है, और उन्होंने मक्खियों को जला दिया, तोड़ दिया छत्तों को, और शहद, शहद का जो पोर्शन है उसको लेके ये लोग अभी मार्केट में जाएंगे बेचने के लिए। 100 रुपए का एक बिकेगा, ऐसे मिला के 2, 4, 5 है तो 500 रुपए इनको मिलेंगे। 100 रुपए में एक छत्ता, ये एक, ये 2, 3, 4, 5 छत्ते उनके हाथों में ना, देखो ना, सभी मिला के 3 लोगों के बीच में 5 छत्ते उन्होंने डिस्प्ले किए हैं। तो हर एक में हनीकॉम है, और हनीकॉम लकड़ी के बीच में बनता है। अंडे बच्चों का आगे दिखेगा आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, ये इसका छत्ता होता है। हमने क्या धुआं किया थोड़ा, और धुएं से मधुमक्खियों को उड़ा दिया, नहीं पीछे बैक, पीछे प्रीवियस, ये मधुमक्खी का छत्ता है। और इस छत्ते में ऊपर के इलाके में आप देखोगे कि फुला फुला सा दिख रहा है, ये पूरा ये पोर्शन फुला फुला सा दिख रहा है, इसमें उसका शहद है, और नीचे में उसके प्रोजेनी दिख रही है, अंडे बच्चे नीचे में। तो हम लोग आदिवासी को ये समझाते हैं कि आप ऊपर के शहद के पोर्शन को नीचे के ब्रूडिंग पोर्शन से चाकू से काट के अलग कर लो। ये वाले दूसरे वाले फोटोग्राफ में दिख रहा है कि ऐसा कट कर दिया, कट करके ऊपर में शहद और नीचे में उसके अंडे बच्चे। नेक्स्ट, नीचे वाले पोर्शन को दो लकड़ी के बीच में आपको बांध देना है। नेक्स्ट, अनुपम, नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, दो लकड़ी के बीच में उस पोर्शन को बांध दिया। इसका मतलब हमने क्या किया कि उसके अंडे और बच्चे जो है इस नीचे वाले पूरे पोर्शन में उसको, नहीं पीछे में, बैक, सर स्लाइड का नाम बता दी, नहीं और पीछे में, और पीछे में आप, हाँ ये वाला बस ठीक है। इसमें, इसमें क्या किया, लकड़ी के बीच में इस पूरे पोर्शन को बांध दिया रस्सी से, और जिस जगह पे ये छत्ता था उसी जगह पे, छत्ता कहते हैं हम लोग इसको, तो ये छत्ता जिस जगह पे था, ये पूरा कोम जहां पर था वहीं पे उसको हमने दो लकड़ी के बीच में बांध के रस्सी से टांग दिया। अब धीरे धीरे पूरी मधुमक्खियां वापस उस पे आने लग गई। उसको भी ऐसा लग रहा है कि अपना शहद का डल्ला तो काट लिया हमने, लेकिन उसके बच्चे जो नीचे के पोर्शन में पूरे थे, नीचे के कुंभ में थे, उसको लकड़ी के बीच में बांध के वहीं लटका दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये इस पिक्चर में आप देखोगे कि एक लेफ्ट हैंड साइड में एक छत्ता लटका है रस्सी के बीच में, उसको टांग दिया है और मधुमक्खियां पूरी वापस आ गई है। और दाहिनी ओर आपको दिख रहा है कि
कि वो फार्मर जो शहद निकाल जिसने शहद निकाला वो मार्केट में जाके कॉम्ब्स को बेच रहा है। नीचे में बकेट दिख रही है, बकेट में एक कॉम्ब है, दूसरा कॉम्ब है, तीसरा कॉम्ब है और कुछ निकला हुआ शहद चमक रहा है। तो इस तरीके से ये दूसरी मधुमक्खी वेराइटी है, दूसरी मधुमक्खियों की वेराइटी है जिसको आप साइंटिफिक तरीके से उसका मैनेजमेंट आप कर सकते हो। नेक्स्ट, हमारा टाइम ओवर हो गया है गोपाल जी। हाँ, दो मिनट में मैं कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट, यह है एपिस सिराना इंडिका जो बड़े पेड़ के कोह में होती है, यहां से निकाल के उसको बक्से में पाला जाता है। नेक्स्ट, ये तीसरी वेराइटी है हनीबी की। और ये चौथी वेराइटी, ये एक्सोटिक भी है, एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा ये बक्सा है एपिस मेलिफेरा का, और कई सारे बक्से एक जगह पे एपेरी में रखे जाते हैं और उसका कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट, तेरह हजार की किट पूरी आती है एपिस डॉर्सेटा के लिए काम करने के लिए। एपिस थोरिया पे काम करने के लिए 1000 रुपए की किट आती है, और सतपुड़िया मधुमक्खी जो बॉक्स वाली मधुमक्खी है उसके लिए खर्चा आता है करीब 35,000 रुपया। एक एपेरी आपको बनानी है 20 बक्सों की तो करीब 35,000 रुपया आपको खर्चा आएगा। आपको छोटी मधुमक्खी पे काम करना है एपिस थोरिया पे तो 1000 रुपया खर्चा आएगा। और यदि आपको भौर मधुमक्खी रॉक बी पे काम करना है एपिस डॉर्सेटा पे तो आपको 13,000 की एक किट लगेगी, 4 से 5 लोग उसमें काम कर पाएंगे, बकेट सूट क्या क्या रोप नाइफ टॉर्च सब दे पाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हमको स्किल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है, इक्विपमेंट्स की आवश्यकता लगेगी, बायबैक गारंटी देने की आवश्यकता लगेगी, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं, लोन्स देते हैं इन आदिवासियों को इनके साथ में काम करते समय। नेक्स्ट, पूरा मिला के हमने 24,40,000 का नबार्ड से लोन लिया था और 5 साल में हमने करीब 215 लाख रुपए का बिजनेस किया। तो एपिस डॉर्सेटा को हमने सेंटर में रखते हुए करीब 215 लाख का 5 साल में हमने बिजनेस किया, करीब 2 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट, 200 आदिवासियों को हमने इस पूरी परियोजना में लाभ पहुंचाया। नेक्स्ट, बड़े बड़े सिटी में हनी बेचना अभी भी हमारे लिए दिक्कत की बात आ रही है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की आवश्यकता लगेगी, फॉरेस्ट में काम करना है तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की आवश्यकता लगेगी उनके परमिशन की। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ में हम लोग काम कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में हम लोग काम कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ में हम लोग काम कर सकते हैं, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के साथ में, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के साथ में हम लोग काम कर सकते हैं, JLG, SHG और विलेज ऑर्गेनाइजेशन को बना के हम लोग इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, हमने करीब 29 जिलों में अभी तक काम किया है, करीब 17-18 छोटे छोटे एंटरप्रेनर खड़े किए हैं, करीब 120 मेट्रिक टन हनी सालाना अभी आ रही है और कई सारे पॉपुलेशन हनीबीज का बचाने की वजह से पॉलिनेशन की पूरी प्रोसीजर में हमारा इन्वॉल्वमेंट अभी है। नेक्स्ट, हनीबी बेटर फॉर फॉरेस्ट, बेटर फॉर बीज, बेटर फॉर हनी कलेक्टर्स, बेटर फॉर ट्राइबल्स एंड बेटर फॉर कंज्यूमर्स। बेस्ट क्वालिटी का ऑर्गेनिक हनी हम कंज्यूमर को मिल रहा है। नेक्स्ट, एक ही स्लाइड बाकी है, अभी 279 जंगलों में इस काम को हम लोग अभी बढ़ा सकते हैं। आंध्रा है, अरुणाचल है, आसाम है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल में पूरा स्कोप है। करीब करीब 3,000 मेट्रिक टन शहद निकल सकती है, हम लोग करीब 27,000 आदिवासियों को इस पर काम में एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट, DRDA, कपार्ड, ITDP, WWF, BIF ने, नाबार्ड ने, टाइफेड ने, CGCOS ने, पोलरिस फाउंडेशन ने हमको आज तक मदद करी है। नेक्स्ट, लव विद बीज इज लव विद द नेचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन एंड
ओवरव्यू ऑफ दिस, और मैं तो सिर्फ ये लिस्ट जो है आपकी उसमें ऐड करना चाहती हूँ कि भूमिजा भी आपका साथ देगी, और आपने एक रोड मैप बनाया हुआ है कि हमें और कौन कौन से स्टेट्स में काम करना है, कौन से ट्राइबल और फॉरेस्ट बेल्ट्स में काम करना है. हाँ. उसका आपने एक अच्छे से सोच रखी हुई है, तो उसमें ये कर सकते हैं. और अपना केवीआईसी का तो हनी मिशन है ही, जिसपे बड़ा फोकस है. हमारे जो पूरा नेटवर्क है उसमें भी हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट करें. ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिन्हें हम जानते हैं, जैसे एक गांव है जो ट्राइबल एरियाज में काम कर रहा है, या जैसे फार्म वेदा है जो ट्राइबल एरियाज में काम कर रहे हैं तेलंगाना साइड में. ये इस तरह के बहुत सारे ओडिशा में हैं हमारे दो तीन जानकार एनजीओज जो काम कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ में कोई एनजीओज हैं, कई कई एनजीओज हैं जो फॉरेस्ट एरियाज में काम कर रहे हैं. उनमें कई को तो आप जानते ही हैं. मैं जानता हूं कई लोगों. हाँ, असम में है कई, नॉर्थ ईस्ट में हमारी बहुत अच्छी पहुंच है. तो जहां जहां पॉसिबल है तो वहां कोशिश करके हम मिलके काम करेंगे और आपका काम बढ़ाएंगे. बेसिकली लिंकेज बिल्डिंग करना पड़ेगा. लिंकेज बिल्डिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और हमारे में से भी कई लोग हैं इस तरह से जो आई थिंक सपोर्ट करेंगे आपको. जी, यहाँ पर लिख भी रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश से हैं, वो करने के लिए तैयार हैं, कर्नाटका से हैं. देयर मेनी पीपल हियर हु आर यू नो रेडी. आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे कि जो जो लोग आपसे जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं. ऑल ऑफ यू, यू कैन विल ऐड गोपाल जी ऑन अ ग्रुप. यू कैन मोस्ट हैपीली कनेक्ट विद हिम. यू हैव नो आइडिया द अमाउंट ऑफ नॉलेज ही हैज. आई हैव यू नो सीन इट लाइव, इवन दो फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल. आई कैन जस्ट टेल यू दैट व्हाट ही हैज शेयर्ड विद यू इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन. So he is completely an ocean or a gold mine of knowledge in this area. And I would just say this, the reason I've been wanting him to be on this platform for a very long time, and I'm so fortunate to have him, because when I met him, the one most amazing thing I realized is that he has been really instrumental, I would say, in creating a cruelty-free honey harvesting process. Very true. And to me, that is, आपको मेरी तरफ से सलाम है इस पे. सच में, क्योंकि ये देख के बाकी हनी हार्वेस्टिंग हो रहा है या आदिवासी को मिल रहा है, वो एक मेरे को सेकेंडरी चीज लगती है. लेकिन इसको आपने 20 को एक बहुत अच्छे मुकाम पे लेके आए. उनका तो दोनों वाइल्ड वेराइटीज को आप ऐसे लेके आए, और उनके लिए एक क्योंकि हमारे ग्रुप्स में कई लोग बहुत बोलते हैं कि नहीं नहीं हनी से क्रुएल्टी, तो मैं आपका ही हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं तो हम लोग क्रुएल्टी फ्री हनी कलेक्शन कर सकते हैं और बिल्कुल प्योर हनी हमारे लोग. मुझे लगता है एक और चीज आपने मुझे हाईलाइट की थी उस वक्त, कि एक्चुअल प्योरिटी चेक करना. जो आप मेथड यूज कर रहे हैं वो तो बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही सस्ता मेथड है, लेकिन आपने मुझे याद है इस पे आपने मुझे बहुत लंबा लेक्चर दिया था कि असली तो प्योरिटी चेक करने की जो हनी का प्रोसेस है वो इंडिया में ऑलमोस्ट नहीं अवेलेबल है, और वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है. मुझे याद है आपने C13 कार्बन आइसोटोप मेथड से जब आप हनी को चेक करोगे तो उसमें एडेड शुगर है या कॉर्न सिरप है या एडेड लिक्विड फ्रुक्टोज है, ये पता लग जाता है. हाँ जी, एंड वो मेरे ख्याल से काफी, इट इज वेरी एक्सपेंसिव. कम से कम 50,000 रुपया एक टेस्ट का खर्चा है. अच्छा, तो नॉर्मली भी फार्मर नहीं करेगा. अच्छा, लेकिन लेकिन हमने एनिलिन क्लोराइड टेस्ट को और आगे एक स्टेप लेके गए हम लोग. एनिलिन क्लोराइड टेस्ट तो थी, लेकिन एक और स्टेप आगे देखेगा जिसकी वजह से आपको पता लग जाता है कि हनी में मिलावट है या नहीं है. जी, मिल जाता है. अच्छा, तो ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ओवरव्यू था, बिकॉज फ्रैंकली हम लोग सब सच में इसके बारे में ज्यादा जानना चाह रहे हैं. मैं आई एम जस्ट चेकिंग अगर कोई एक सवाल है जो मैं पूछ सकती हूँ आपको. जो भी जिन लोगों को खरीदना है बॉक्सेस, उनसे हनी खरीदना है, आपसे टाई अप करना है, उनके साथ में फॉरेस्ट में अपने अपने फॉरेस्ट एरियाज में काम करना है, आप सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी खड़ा करेंगे, इसीलिए हम उनको लेके आए हैं. आर आइडिया इज टू ग्रो द मूवमेंट. आइडिया इज दैट ऑल ऑफ यू शुड जॉइन इन एंड बिकम बी कीपर्स और बी सेलर्स और हनी सेलर्स और बी पार्ट ऑफ द एंटायर वैल्यू चेन. ओके, सो वी आर वेरी हैप्पी टू डू दैट. एंड
rest assured that Gopalji is going to be available to connect with all of you. Okay, I'll be available. Thank you very much, Gopalji.